हापुड़ सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। मोदी ने कर दिए बहुत बड़ा प्लान सेट। चिराग और पशुपति पारस होंगे एक। बिहार में होगा बहुत बड़ा खेल। यह सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मोदी ने बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। फिर चिराग और पशुपति पारस होंगे एक। बिहार में होगा बहुत बड़ा खेल। अब हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चिराग के आगे चाचा पशुपति पारस भी हो गए फेल। अब चिराग बनेंगे एलजीपी के बड़ा नेता और चिराग के ही फैसले से होंगे सारे उम्मीदवार का तय, क्योंकि अब चिराग को मिल गई है बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आपको बता दें कि बहुत बड़ा खेल बिहार में होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा किया है प्लान कि विपक्षी जानकर हो जाएंगे हैरान। पहले आप जान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है और इसकी निगाह तीन राज्यों में से सबसे ज्यादा बिहार पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ चाचा और भतीजा की लड़ाई खत्म होने के नाम नहीं ले रही थी, वहीं पर बीजेपी ने ऐसा फॉर्मूला सेट कर दिया कि आप जानकर हो जाएंगे हैरान। क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई में बीजेपी ने ऐसा किया प्लान सेट कि चाचा और भतीजा होंगे एक और बिहार में होगा बहुत बड़ा अब खेल। आपको बता दें कि जहां पशुपति पारस केंद्र में भी मंत्री है, वहीं चिराग पासवान उनकी बातों का जवाब बहुत संयम से दे रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि चिराग पासवान का रिश्ता बीजेपी से उस समय भी अच्छा था जब चिराग पासवान एनडीए से दूर भी थे। लेकिन अब पूरे बिहार में लोकप्रियता के बात करें तो चिराग पासवान के आगे चाचा पशुपति पारस एकदम फेल हैं। जब से रामविलास पासवान निधन हुए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होकर पशुपति पारस को मंत्री बनवाए थे। गौरतलब हो कि पशुपति पारस को जेडीयू के कोटे से ही मंत्री बनाया गया था, क्योंकि जेडीयू के साथ उस समय बीजेपी का रिश्ता अच्छा चल रहे थे। नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के चलते बीजेपी ने नीतीश कुमार को बात मानकर पशुपति पारस को मंत्री बनाए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बाद में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, लेकिन फिर बाद में एलजीपी में बंटवारा भी नीतीश कुमार ही करवा दिए थे। जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान निधन हुए थे, तब लगा था कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर चिराग पासवान राजनीति में ऐसा एंट्री की कि उनके आस पास भी चाचा पशुपति पारस नहीं दिख रहे हैं। और उसी टाइम से एनडीए से चिराग पासवान बाहर होने के बाद चाचा पशुपति पारस से रिश्ता खराब चल रहा था। लेकिन अब वह रिश्ता चाचा भतीजे में साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा प्लान सेट कर दिया है कि बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कौन सा किया है प्लान सेट कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस होंगे एक। अब यह जानकारी जानने के लिए ध्यान से सुनिए। पहले तो आप यह जान लीजिए कि चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों लोग अभी एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं और दोनों चाचा भतीजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने एलजीपी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का ऐलान किए हैं और इस बात से चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों का मंजूर है। लेकिन मेन बात यहां पर यह आती है कि हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दिया है और इस बात को बीजेपी ने मुहर लगा दिया है। हाजीपुर सीट से चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने राज्यसभा को एक सीट देने के लिए जैसे ही ऐलान किए वैसे ही पशुपति पारस मान गए और हाजीपुर चुनाव से चिराग पासवान को लड़ने के लिए सहमति बना दिए। आप चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना बिहार 24।